दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने मौसम के भयंकर रूप के चलते कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है, साथ ही कई राज्यों में रेड अलर्ट की घोषणा भी कर दी गई है। दोस्तों देश भर के कई राज्यों में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और भारी बर्फबारी के साथ बड़े बड़े ओले गिरने से कई राज्यों में बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों अगर आप ग्राम या भारत के किसी भी राष्ट्र रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव का नाम जरूर लिखे ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है। वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों तूफान मिचौंग से प्रभावित राज्यों में मौसम का हाल बेहाल हो रखा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश थमेगी नहीं, दक्षिण राज्यों के अलावा दिल्ली में मौसम सामान्य रहेगा। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने घातक चक्रवाती तूफान मिचौंग को लेकर अपडेट दिया। आईएमडी के अनुसार तूफान मिचौंग कमजोर होकर आंध्र प्रदेश के मध्य तटीय क्षेत्र में गहरे दबाव में बदल गया है और अगले 6 घंटों में और कमजोर होकर एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। चेन्नई मौसम विभाग ने तटीय राज्य के 10 जिलों में हल्की आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट और वेल्लोर जिलों में मध्यम बारिश के साथ हल्की आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर देखने को मिला। मौसम केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 2 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, साथ ही पछुआ हवा के चलने से न्यूनतम तापमान में अब तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह के समय हल्का से मध्य कोहरा बना रह सकता है। तूफान मिचौंग से बिहार भी प्रभावित हुआ है। इसके कारण मंगलवार को पटना समेत दक्षिणी बिहार के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 15 जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं अन्य राज्यों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोस्तों उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में गुनगुनी धूप खिली रहेगी, हालांकि अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में उथला कोहरा छाया रह सकता है, तापमान में मामूली गिरावट की आशंका है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार गंभीर चक्रवात मिचौंग के प्रभाव के कारण झारखंड में 8 दिसंबर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है और अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री मैं पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ वीडियो को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।